हेलो, वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ नेमत और नेमत डॉट खाना में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाना और अखरोट वाली मफिन बनाने जा रही हूँ, तो बने रहे मेरे साथ। नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स, देखें इसके स्टेप्स, और अगर आपको ये मफिन बनाने का तरीका पसंद आए तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अपने नोटिफिकेशन बटन ऑन रखें ताकि आप हमसे जुड़े रहें और हर रेसिपी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आगे देखते हैं इसके बनाने के तरीके को। बनाना मफिन बनाने के लिए मैंने सभी चीज़ों को इकट्ठा कर रखा है। तो सबसे पहले मैंने ये बहुत ही पका हुआ केला, जिसके छिलके पर स्पॉट आ जाए, ये केला सबसे अच्छा होता है केक और मफिन्स के लिए, क्योंकि केक का पल्प बहुत ही मीठा हो जाता है और नरम हो जाता है, तो मैश करने में बहुत ही आसानी होती है। तो मैंने 2 केला लिया है। साथ ही ये लगभग 1.5 कप हमारा मैदा है, जो कि मैंने अपने मेज़रमेंट कप से 125 ml के कप से ये 1.5 कप लिया है। साथ ही यहाँ पर हमारा बेकिंग पाउडर है 1 tsp, 1/2 tsp बेकिंग सोडा और 2 चुटकी नमक है। 1 tsp हमने वेनिला एसेंस लिया है और ये 3 अखरोट है जिसे मैंने चॉप किया है। 1 tsp हमारा ये सिनेमन पाउडर है और ये पाउडर्ड सुअर है जिसे मैंने घर में पीसकर बनाया है। साथ ही ये 3 tbsp कुकिंग ऑयल है। तो आइए अब इसकी तैयारी करते हैं। मफिन की तैयारी में सबसे पहले मफिन पॉट को ग्रीस कर लें और साथ ही इसमें जाने वाले 1 अंडे को रूम टेम्परेचर पर रख लें। केला को छील लें और इसे फोर्क से मैश कर लें। ये बड़ी ही आसानी से मैश हो चुका है। अब इसमें सारी लिक्विड्स चीज़ मिला दें, कुकिंग ऑयल डाल दें, वेनिला एसेंस डालें। अब इन सब चीज़ों को फेंट लें। अब सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिला लें। तो पाउडर शुगर इसमें डालें और 125 ग्राम में लगभग 100 ग्राम चीनी डालना सही होता है, क्योंकि इसमें केला भी जाएगा जो कि खुद ही मीठा होता है। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक डालें। अब इन सब चीज़ों को खूब अच्छी तरह से मिला लें। अब दालचीनी का पाउडर भी शामिल कर लें और साथ ही जो हमने चॉप अखरोट रखे थे उसकी भी आधी क्वांटिटी मिला लें। थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए बचा लें। अब इसे खूब अच्छी तरह से मिला लें और अब इसमें सारे हमारे जो लिक्विड इंग्रेडिएंट्स हैं वो मिला लें और इसे एक जान कर लें। अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा सा दूध शामिल कर सकते हैं। ओवर मिक्स ना करें। अब ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, तो इसे स्कूप करके आप अपने मफिन ट्रे में डालते जाएं। इससे हमारा 6 मफिन कप भर चुका है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा अखरोट डाल दें। अब इसे 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्री हीट माइक्रोवेव में मैं इसे डालूंगी। आप चाहें तो इसे ओवन में भी बना सकते हैं।
छुट्टियों में बच्चों को खुश करने का ये बहुत ही आसान सा तरीका है। लगभग 8 मिनट में मफिन बनकर रेडी हो चुका है और आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा बना है, कितना स्पॉन्जी बना है। ये देखिए, इसे कुछ देर ठंडा होने दें और फिर इसे निकाल कर सर्व करें। ठंडा होने के बाद इसे हल्के हल्के किनारों से अलग कर लें। और देखिए ये कितनी आसानी से निकल आया, आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट और कितना स्पॉन्जी तैयार हुआ है। और ये कितने कम वक्त में, लगभग 8 मिनट में माइक्रोवेव में ये हमारा मफिन तैयार हो गया। तो अगर आपको ये तरीका पसंद आया हो और आपने मफिन बनाने को एंजॉय किया हो तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे एंजॉय करें, साथ ही जानने वालों के साथ इसकी रेसिपी को शेयर करें। तो मिलते हैं फिर किसी अगले रेसिपी पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Bye.